हेलो स्टूडेंट्स, तो जैसा कि आप सभी को पता है बेटा कि हमारा जो जेई एडवांस का पेपर आने वाला है उसके लिए मैंने आप लोगों के लिए एक सीरीज चला रखी है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ मैथमेटिक्स। उसमें अलग अलग पार्ट कर रहा हूँ मैं, कैलकुलस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं कैलकुलस वाले उसमें करा रहा हूँ सीरीज के अंदर, और यहाँ पर मैंने एलजेब्रा की भी सीरीज चला रखी है। इसके तीन प्रीवियस पार्ट हो चुके हैं। जिन भी स्टूडेंट ने वो प्रीवियस तीन पार्ट नहीं देखे हैं पहले जाके उनको देखें, अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं आप इस सीरीज में। मैं क्या करा रहा हूँ बेटा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करा रहा हूँ और कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं जो मुझे लगता है कि जेई एडवांस में आ सकते हैं। अब एज इट इज क्वेश्चन तो मुश्किल है आना, बट कॉन्सेप्ट वहाँ पर रिपीट हो जाती है बेटा, ठीक है? तो आप लोग कॉन्सेप्ट पे वर्क करें ना कि क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन को रटने की कोशिश ना करें, कॉन्सेप्ट क्या यूज हो रहा है वो सीखें। तो देखिए पहला क्वेश्चन लेते हैं हम सीरीज का, पार्ट फोर का पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या कह रहे हैं, एक डिटरमिनेंट दे रखी है बेटा हमको और यहाँ अल्फा वैल्यू फाइंड करनी है, इसकी इक्वेशन दे रखी है, मतलब या लेफ्ट LHS और RHS दोनों दिया हुआ है, इसको सॉल्व करके अल्फा का वैल्यू निकालना है। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व कैसे करेंगे बेटा, पहले हम इसका होल स्क्वायर ओपन कर देंगे। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा बेटा ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा बेटा, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये क्या होगा बेटा, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। फिर यहाँ क्या होगा बेटा, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, यहाँ क्या होगा बेटा टू ए बी, यहाँ सिक्स आएगा ना, यहाँ सिक्स आएगा और यहाँ से ये ठीक है, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, यहाँ आएगा ए स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो ये 18 हो जाएगा अपना, है ना, और प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू देखा माइनस का 648 और अल्फा, ये दे रखा है। अब आप लोगों ने, जिन भी स्टूडेंट ने इस टाइप के क्वेश्चन किए हैं उनको देख के ही आइडिया लग जाएगा कि यार ये तो डिटरमिनेंट का प्रोडक्ट दे रखा है, दो डिटरमिनेंट दे रखी है और उनका प्रोडक्ट दे रखा है। तो डिटरमिनेंट के प्रोडक्ट को कैसे सॉल्व करते हैं, इसको मैं ऐसे रफ कर देता हूँ और ऊपर ही लिखेंगे बेटा हम लोग, ठीक है? क्वेश्चन को हटा रहा हूँ, आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा सबने। तो देखो बेटा यहाँ पर हमको पता है कि दो डिटरमिनेंट का प्रोडक्ट है ये, तो देखो कैसे लिखेंगे दो डिटरमिनेंट का प्रोडक्ट, ये डिटरमिनेंट वन है ना, मल्टीप्लाई ये डिटरमिनेंट वन प्लस मल्टीप्लाई विद डिटरमिनेंट टू एंड इज इक्वल टू माइनस का 648 अल्फा हमें पता है। तो देखो बेटा आप चाहे तो रो वाइज भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आप चाहे तो रो और कॉलम को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं डिटरमिनेंट में, तो हम रो और कॉलम ही ले लेते हैं जिससे कि आप लोगों को प्रैक्टिस रहती है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की, उसी कॉन्सेप्ट से करते हैं। तो देखो वन चाहिए तो पहला एलिमेंट यहाँ वन ले लिया और यहाँ पर भी वन ले लिया। अब यहाँ पे टू अल्फा चाहिए तो अगर यहाँ कॉन्स्टेंट लूंगा तो यहाँ पर वेरिएबल ले लूंगा अल्फा, फिर यहाँ पे अल्फा स्क्वायर चाहिए तो यहाँ पर कॉन्स्टेंट ही लेंगे वन और यहाँ पे अल्फा स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है बच्चों? तो हमें मिल गया ये वन टू वन वन अल्फा अल्फा स्क्वायर। अब देखिए क्या है बेटा कि इसका पहला कॉलम जो है वो ये मिल गया और इसका पहला रो मिल गया। अब यहाँ पे ये रो तो फिक्स हो गई क्योंकि ये इससे होगी, फिर ये इससे होगी और ये इससे होगी, तभी आगे वाले मिलेंगे। तो देखो ये वाला तो फिक्स हो गया, अब इसी को आगे बढ़ाएंगे। तो अब यहाँ वन चाहिए तो यहाँ पर भी वन हो जाएगा, यहाँ क्या चाहिए फोर अल्फा तो ये क्या हो जाएगा टू अल्फा हो जाएगा, यहाँ क्या चाहिए फोर अल्फा स्क्वायर तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फोर अल्फा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है बेटा? अब आगे बढ़ते हैं, फिर वन चाहिए तो ये वन आ गया, फिर हमको सिक्स चाहिए तो ये थ्री अल्फा हो गया, फिर हमको नाइन चाहिए तो ये नाइन अल्फा स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ एक रो और एक कॉलम बनाने के बाद ये पूरी की पूरी डिटरमिनेंट आ गई। तो अब रिवर्स में चलेंगे, ये हमारे पास क्या हो गया है डिटरमिनेंट बन चुकी है, तो हम पीछे से स्टार्ट करते हैं। अब इसको लेंगे और हमें ये लेके आना है, तो देखो यहाँ से चलेंगे हम लोग, वन फोर चाहिए तो यहाँ फोर आ जाएगा, फोर इंटू वन फोर, फिर ये अल्फा है तो क्या फोर अल्फा, तो यहाँ पर भी फोर आ जाएगा फोर अल्फा, प्लस ये अल्फा स्क्वायर तो ये वन आ गया बेटा, ठीक है? अब इससे आगे चेक कर लेंगे, यही आ जाएगा, देखो फोर प्लस एट, ठीक है फोर प्लस एट एट आएगा क्या यहाँ पर, ये हो गया अपना फोर प्लस एट प्लस फोर अल्फा स्क्वायर, हमने कैलकुलेशन में गड़बड़ कर दी थी, यहाँ पे एट अल्फा आ जाएगा, ठीक है बेटा? तो ये एट आ गया और ये ऐसे सॉल्व करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं, सिमिलरली ये करेंगे तो ये मिल जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, देखो इसको देखते हैं यहाँ पर और यहाँ क्या लेंगे, तो वन और यहाँ नाइन चाहिए तो यहाँ नाइन लिख दिया, नाइन और अल्फा में सिक्स, सिक्स अल्फा और यहाँ पर अल्फा स्क्वायर आ रहा है हमारे पास, तो ये वन आ गया, ठीक है? ये हमको मिल चुका है, तो ये प्रोडक्ट ऑफ टू डिटरमिनेंट मिल चुका है बेटा हमको, ठीक है? अब इसको फर्दर आगे सिंपलीफाई करते हैं, देखो कैसे करेंगे, ये रफ कर दिया इसको यहां से,
अब क्या होगा बेटा, देखो यहाँ पे कुछ कॉमन आ रहा है क्या, 1, 2, 4, 6 में 2 बार आ रहा है, 2 बार ले लिया। यहाँ पे देखो अल्फा 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 आ रहा है, अल्फा स्क्वायर आ रहा है, और कुछ आ रहा है क्या कॉमन, नहीं। तो ये 2 अल्फा क्यूब बाहर आ गया हमारे पास, और अंदर क्या रह गया बेटा, देखो 1 और 4, 9, ये आ गया 1, 2, 3, और ये आ गया 1, 1, 1, इस मल्टीप्लाइड विद, ये आ गया बेटा 1, 1, 1, यहाँ पे आ गया 1, 2, 3, ये आ गया 1, 4, 9 इज इक्वल टू -648 अल्फा। अब देखो बेटा यहाँ पर सॉरी, हमको थोड़ा सा आइडिया लग रहा है कि ये वाला जो है ये नीचे आ रहा है, इसका ट्रांसपोज ले लेंगे अगर हम लोग तो कुछ बन सकता है ऐसा, है ना। तो हम क्या करते हैं बेटा कि पहले इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं और फिर ट्रांसपोज ले लेते हैं। तो पहले इन दोनों को आपस में चेंज करता हूँ तो 1, 4 और 9 इधर आ जाएगा, 1, 4 और 9 इधर आ जाएगा, और 1, 1, 1 इधर आ जाएगा, आ गया 1, 1, 1। एक रो आपस में इंटरचेंज, एक बार ऑपरेशन करने से यह माइनस आ जाएगा, ये माइनस आ गया। अब क्या करता हूँ, इसका ट्रांसपोज ले लेता हूँ तो ये 1, 1, 1 इधर आ जाएगा, 1, 1, 1, ये 1, 1, 1 आ गया। फिर क्या हो जाएगा, सेम ये का यही आ जाएगा हमारे पास, ट्रांसपोज लेने पर क्या होगा, ये का यही डिटरमिनेंट बन जाएगा भाई, ठीक है। ये ट्रांसपोज लेने पर ये का यही आ गया, दोनों सेम आ रहे हैं, दोनों सेम आ रहे हैं, तो ये माइनस से तो माइनस काट दिया, यहाँ पर 2 से काटा इसको, 3, 2, 4 कट गया, अल्फा से अगर अल्फा काट देते हैं तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि अल्फा का एक वैल्यू मिल चुका है 0, अल्फा का एक वैल्यू मिल चुका है 0। अब यहाँ बच गया अल्फा स्क्वायर, और ये हो गया 1, 1, 1, 4, 2, 1, 9, 3, 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3, 2, 4, 3, 2, 4, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं इसको, देखो अब चाहे तो यहाँ से तो भी 18 का स्क्वायर होता है तो स्क्वायर स्क्वायर हट जाएगा, या फिर आप चाहें तो इसको सॉल्व कर लें। सॉल्व कैसे करेंगे भाई हम लोग, अल्फा स्क्वायर देखो यहाँ सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, देखो ये 1, 1, 1 रहने देते हैं हम लोग, ये 1, 1, 1, या फिर ऐसा करते हैं देखो इस कॉलम को एज इट इज 1, 4, 9, 1, 4, 9 रहने देते हैं, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये हो जाएगा 0, और ये -2, और ये माइनस का 6, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ करेंगे ये 0, ये अपने पास हो गया -3, और ये जाएगा -8। जैसे जो आप चाहें करना वैसे कर सकते हैं सॉल्व, ठीक है, ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है कि हमने किया है वैसे ही करें भाई। चलिए तो ये हो जाएगा अपने पास अल्फा स्क्वायर, और मल्टीप्लाई में क्या आ रहा है, देखो होल स्क्वायर चल रहा है इसका, होल स्क्वायर चल रहा है, तो यहाँ पे जब हम करते हैं तो देखो ये हो जाएगा 16 माइनस का, देखो ये हो जाएगा प्लस का 16 और माइनस का 18, तो माइनस का 2 बचेगा, माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3, 2 दिस, तो यहाँ पर आ गया बेटा अल्फा स्क्वायर, और ये 4 आ जाएगा इज इक्वल टू 3, 2, 4, 4 से कैंसिल करेंगे 81 अल्फा स्क्वायर, तो अल्फा का वैल्यू आ जाएगा 9, -9, तो हमें 3 वैल्यू मिल गई 0, 9 और -9। तो ये क्वेश्चन भी हमारे जेईई एडवांस में आया हुआ है, डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, तो इतना तो बेटा कैलकुलेशन आएगा ही आएगा, ठीक है। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा, कॉपी कर ले फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेट ए बी सी डी आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, ये बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, 4 रूट्स होंगे, बिल्कुल सही बात है। ऑल्सो कंसिडर पॉलीनोमियल दे रखा है पी एक्स, एक्स की पावर 6 पावर का पॉलीनोमियल दे रखा है, और वैल्यू ऑफ पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी प्लस पी डी पूछा है। यानी कि देखिए ए बी सी डी रूट्स तो हैं इसके, और पुट कर रहे हैं इसके अंदर पी ए के अंदर, तो यहाँ से आपको आइडिया लगना चाहिए कि हो ना हो एक्स इस वाले बाई क्वाड्रेटिक और इस वाले पॉलीनोमियल के अंदर कोई ना कोई रिलेशन हमारे पास होना चाहिए, तभी हम इसको आगे फर्दर बढ़ा सकते हैं। क्यों, क्योंकि देखो वापस मैं बोल रहा हूँ, रूट दे रखे हैं ए बी सी डी इसके, और वैल्यू पुट करवा रहा है इस पॉलीनोमियल में, तो वहीं से आपको क्लिक करना चाहिए कि कोई ना कोई रिलेशन इनमें होना चाहिए। तो वो रिलेशन कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं बेटा, हम क्या करेंगे, हम इसको इसके फॉर्मेट में ब्रेक करते हैं, तो एक्स की पावर 4 माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, इससे डिवाइड करते हैं बेटा हम इसके अंदर। लॉन्ग डिविजन मेथड 9th क्लास में 10th क्लास में हर बच्चा पढ़ता है, तो देखिए हर टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है, हर टॉपिक के अंदर यूटिलाइजेशन होता है अपना, ठीक है बच्चों। तो देखो कैसे करेंगे, हमें पहले से x की पावर 6 यहाँ पर x स्क्वायर लिखा, ये x की पावर 6 आ गया, फिर ये माइनस का x की पावर 5 भी मिल जाएगा, फिर यहाँ पर माइनस का x की पावर 4 आएगा, माइनस का x की पावर 4 आएगा, और फिर ये माइनस का x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट किया प्लस प्लस प्लस, तो देखिए ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, आ क्या गया x की पावर 4 माइनस x क्यूब, और ये भी कैंसिल हो गया, और माइनस का x,
अब हमें x की पावर 4 भी दे रखा है, तो प्लस का 1, तो ये हो जाएगा x की पावर 4, फिर माइनस का x क्यूब, माइनस का x स्क्वायर, माइनस का 1, सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस प्लस प्लस प्लस, ये कैंसिल और ये कैंसिल, तो क्या बचा x स्क्वायर माइनस x प्लस का 1, ये आ गया हमारे पास। तो यहाँ तक हमने डिवीजन कर लिया। अब हमें पता है कि जैसे मान लीजिए ये होता है 2 5, तो हम देखते हैं 2 2 4 और रिमाइंडर 1 बचता है, तो हमें पता है 5 कैन बी रिटन एज 2 into 2 + 1। तो इसी वाली थ्योरम से हम लोग क्या करेंगे, इस फैक्टर को दिस इंटू दिस प्लस दिस इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देते हैं अभी। ठीक है, चलिए करते हैं इसको कन्वर्ट। तो मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पर, कि जो क्वेश्चन है पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 6 माइनस एक्स की पावर 5 माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस दिस कैन बी रिटन एज, ये फैक्टर इनटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक फैक्टर क्या आया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का 1। ठीक है, ये हमने इसको लिख दिया, इसको फैक्टराइज कर दिया ऐसे। अब देखिए हमें निकालना है पी ए पी बी पी सी और पी डी, फिर इनका सम निकालना है। तो देखिए अब आपको पता है कि ए बी सी डी जो है इसके रूट है, तो इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो जब आप पी ए निकालोगे तो इस फैक्टर की जगह इसमें रखोगे तो ये तो हमेशा जीरो ही देगा, पी ए पी बी पी सी और पी डी इन सब के लिए जीरो दे देगा, तो केवल ये वाला फैक्टर बचेगा। तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1, ए स्क्वायर ये बी रखेंगे तो बी स्क्वायर माइनस बी प्लस 1, सी स्क्वायर माइनस सी प्लस 1, डी स्क्वायर माइनस डी प्लस 1। अब इन सबको ऐड करना है, इन सबको ऐड करना है पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी प्लस पी डी, तो क्या आ जाएगा बेटा अपने पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और क्या आएगा माइनस का ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी और प्लस का 4, ये आ गया। यही तो हमें वैल्यू निकालना है। तो देखो यहाँ पर हमें पता है कि ए बी सी डी इसके रूट है, तो सम ऑफ रूट इसका वैल्यू हमें पता है, सम ऑफ रूट क्या हो जाएगा, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको हम शॉर्ट में ऐसा लिख सकते हैं सिग्मा ए स्क्वायर माइनस, इसका वैल्यू देखो क्या आएगा भाई, इसका वैल्यू क्या आएगा अपने पास, सम ऑफ रूट चाहिए तो यहाँ पर क्या आएगा 1 आ जाएगा देखो, क्योंकि ये माइनस का 1 है और माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 अपने पास प्लस का 4, तो ये बन जाएगा सिग्मा ए स्क्वायर प्लस का 3, ये आ गया। अब सिग्मा ए स्क्वायर निकालना है, तो बेटा हमें पता है कि सिग्मा ए स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का होल स्क्वायर माइनस ए टू ए बी प्लस बी सी, ये वाले में फॉर्मेट में, ठीक है माइनस 2 और सिग्मा के अंदर लिख देता हूँ मैं ए बी, जो भी इसके टोटल केसेस आएंगे वो सारे के सारे आपके बन जाएंगे 4c2, तो 6 केसेस आएंगे वो इसमें लिख देंगे। तो यहाँ पर देखो हमको पता है, यहाँ पर हमको पता है इसका वैल्यू कितना है भाई, इसका वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, माइनस का 2 और दिस, ये माइनस का 2 एंड दिस, ये तो माइनस का 2 है और ए बी, ए बी क्या है भाई, टू रूट्स एट ए टाइम, तो टू रूट्स एट ए टाइम लेंगे तो क्या आएगा अपने पास, देखो वैल्यू, वैल्यू क्या आएगा यहाँ से, क्या आएगा यहाँ से हमें मिल जाएगा माइनस का 1, ठीक है यहाँ देखिए माइनस का 1 आएगा, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस, ठीक है ये हो गया 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस 1, तो टोटल इसका करेंगे तो ये आ जाएगा 3, ये क्या आ गया अपने पास 3 आ गया। अब ये वैल्यू उठा के इधर पुट कर देंगे तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी प्लस पी डी इक्वल टू 3 + 3 दैट इज 6, क्या आंसर आ गया बेटा 6 आंसर आ गया अपने पास। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था बट कॉन्सेप्चुअल था, अच्छा कॉन्सेप्ट था इसलिए मैंने आपको कराया बेटा। ठीक है, चलिए कॉपी कर लीजिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, यहाँ क्या दिया हुआ, एक पैसेज दिया हुआ है, ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है इसलिए मैं आपको करवा रहा हूँ बेटा। लेट एस इक्वल टू एस वन इंटरसेक्शन एस टू इंटरसेक्शन एस थ्री, यानी कि एस जो है वो तीनों का इंटरसेक्शन लेने पर हमें मिल रहा है, ठीक है, वेयर एस वन एस टू एस थ्री इन तीनों को डिफाइन कर रखा है, ठीक है बेटा। और फिर हमसे पहला क्वेश्चन पूछा है कि ये जो एस आएगा इन तीनों का इंटरसेक्शन वाला पार्ट आएगा उसका एरिया निकाल के बताना है आपको, तो इसका मतलब हमें एस निकालना होगा, एस निकालने के लिए एस वन एस टू एस टू को डिफाइन करना पड़ेगा और फिर हम उसका इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो चलिए करते हैं वन बाय वन। तो पहला कह रहा है एस वन के लिए मॉड जेड लेस देन 4, तो ये तो साफ दिख रहा है मॉड जेड लेस देन 4 का मतलब क्या हुआ, एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है 0 0 है और रेडियस क्या है 4 है, ठीक है। अब इक्वल टू नहीं है इसका मतलब क्या हुआ, इनसाइड वाला पार्ट हो गया,
इक्वल टू होता तो जेड इस सर्कल के ऊपर वाले भी लेते हैं, बट इक्वल टू नहीं है तो इनसाइड वाला हो गया, इनसाइड वाला सर्कल बन गया। पहला पार्ट तो बहुत ईजी है, थर्ड पार्ट भी देखिए बहुत ईजी है। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, एस थ्री, ये तो हो गया मेरा एस वन, इसके अंदर वाला जो पार्ट है वो हो गया एस वन, ये पूरा एस वन हो गया। और थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, रियल पार्ट ऑफ जेड इक्वल टू जीरो, यानी एक्स इक्वल टू जीरो, तो एक्स इक्वल टू जीरो यानी क्या हो गया बेटा, वाई एक्सिस दे रहा है आपको, वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस यानी ये वाला, इस पर जितने भी आपके जेड आ रहे हैं वो सारे के सारे ले लो। तो ये एस थ्री आ गया, ये एस थ्री आ गया, अंदर एस वन आ गया, ठीक है। अब एस टू भी निकालना है, तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसका इमेजिनरी पार्ट निकालना है। तो देखो कैसे करेंगे, ये एक्स माइनस वन हो गया मेरा, अगर मैं एक्स को साइड पर रखता हूँ, एक्स माइनस वन प्लस आयोटा इंटू वाई प्लस रूट थ्री हो जाएगा, और फिर ऊपर मल्टीप्लाई में क्या आएगा बेटा, वन प्लस रूट थ्री आयोटा, और अपॉन में क्या आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी फोर आ रहा है, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा यानी फोर आ जाएगा। तो अब इसका इमेजिनरी पार्ट निकालना है, तो इमेजिनरी पार्ट कैसे निकालेंगे, इसको तो करो इमेजिनरी से, तो रूट थ्री इंटू एक्स माइनस वन, और इसको करो इससे प्लस वाई प्लस रूट थ्री, और क्या दे रखा है हमें, एक ग्रेटर देन जीरो दे रखा है, तो यहाँ से देखो माइनस रूट थ्री से प्लस रूट थ्री कैंसिल हो जाएगा ये वाला, तो हमें मिल जाएगा रूट थ्री एक्स प्लस वाई इज ग्रेटर देन जीरो, ये हमें मिल गया एस टू के लिए। तो ये भी क्या आ रहा है, स्ट्रेट लाइन आ रही है, तो स्ट्रेट लाइन को प्लॉट करते हैं भाई, तो ये ओरिजिन से पास हो रही है और इसका जो स्लोप है वो नेगेटिव आ रहा है माइनस का 60 डिग्री, ये भी हमें पता लग गया। अब क्या कह रहा है, ये ग्रेटर देन जीरो यानी कि इधर जाएगा या इधर जाएगा, तो ये देख लेते हैं बेटा हम लोग कैसे पता लगेगा, कोई भी एक पॉइंट ले लेंगे और वो इसमें रख के देखेंगे, अगर वो पॉइंट सेटिस्फाई करता है तो उसकी तरफ आ जाएगा, नहीं करता तो उसके अपोजिट से आ जाएगा रीजन। तो मैंने 1,1 रखा, तो 1,1 जब रखते हैं, 1,1 जब इसमें रखेंगे तो रूट थ्री प्लस थ्री इज ग्रेटर देन जीरो, ट्रू आ रहा है, ट्रू आ रहा है, तो ये वाला पोर्शन आ गया, मतलब ये वाला पोर्शन आ गया हमारे पास, ठीक है बेटा, ये पोर्शन हमारा बन गया। तो ये हमारा एस टू आ गया, तो एस टू आ गया, एस वन इसके अंदर है और एस थ्री ये रहा पूरा। तो अब हमको क्या करना है, एस निकालना है, तो इन तीनों का कॉमन पार्ट लेंगे, तो इसको कॉपी कर लीजिए, फिर मैं तीनों को एक साथ ड्रॉ कर रहा हूँ बेटा, ठीक है, तीनों को एक साथ ड्रॉ करता हूँ, देखिएगा। ये हमारा सर्कल हो गया, ये हमारा क्या हो गया, वाई एक्सिस हो गया, और ये हमारी जो लाइन है वो कुछ इस तरह से जा रही है। तो अब आपको पता है, इसके इधर जाओ, इसके इधर जाओ और इसके अंदर रहो, तो कॉमन पार्ट क्या हो गया, ये वाला दिख रहा है कि देखो, ये वाला सभी को दिख रहा होगा मेरे ख्याल से बेटा, ये कॉमन पार्ट हो गया। तो ये हमारा क्या आ गया, एस आ गया। अब पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एरिया ऑफ एस, एरिया ऑफ एस, तो बेटा एरिया निकालने के लिए तो ये तो क्या हो गया अपने पास, सेगमेंट वाला क्वेश्चन हो गया। तो सेगमेंट जो है अपने पास, इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का होता है 1/2 r स्क्वायर इनटू थीटा। अभी थीटा कितना हो गया बेटा, 90 तो ये है और 60 डिग्री ये है, माइनस का है, लेकिन टोटल कितना हो जाएगा सॉरी टोटल अपन कैसे काउंट करेंगे, अगर ऐसे जाएंगे, अगर हम ऐसे जाएंगे तो 60 और 90 150 एंगल हो गया, इसको रेडियन में लिखेंगे तो s = 1/2 r क्या है 4 4 का स्क्वायर 16 इनटू ये हो गया पाई बाई 6। तो देखो सिंपलीफाई करते हैं, ये गया 8 टाइम्स, ये गया 4 और ये 3, तो ये हो गया 20 पाई बाई 3। तो आंसर आ गया इसका, एरिया 20 पाई बाई 3 है क्या कहीं पे, हाँ जी बी ऑप्शन। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, बी ऑप्शन आ गया भी, ठीक है बेटा कॉपी कर लीजिए, फिर इसका सेकंड पार्ट भी देखते हैं बेटा हम लोग। देखिए बच्चों इसका सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट कह रहा है मिनिमम ऑफ दिस इज वेयर जेड, जो है जेड बिलोंग्स टू एस, यानी कि हमें क्या कहना है, जेड जो लेना है इसमें वो इस रीजन में से लेना है, कोई भी जेड इस रीजन में से लेना है, ठीक है भाई। और ये क्या है बेटा, ये तो डिस्टेंस फॉर्मूला ही हो गया हमारे पास, हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला हो गया। तो ये क्या हो रहा है बेटा, देखो इसको ऐसे लिखता हूँ मैं, 1-3 आयोटा माइनस जेड, तो मतलब जेड की इस पॉइंट से डिस्टेंस, तो पॉइंट क्या आ गया, यहाँ पॉइंट क्या मिल गया बेटा हमको, पॉइंट मिल गया हमको 1-3, तो 1 तो यहाँ कहीं होगा और माइनस 3 नीचे होगा। अब 1 तो मान लीजिए यहाँ पर है, माइनस 3 यहाँ होगा, मतलब 1 जो है इधर आ जाएगा इस लाइन पर, लेकिन माइनस 3 नीचे आएगा। अब वो माइनस 3 करने पे इसके अंदर आएगा, इसके ऊपर आएगा या इधर आएगा वो हम नहीं कह सकते। अगर मान लीजिए इसके ऊपर ही आ गया तो मिनिमम डिस्टेंस 0 हो जाएगी, बट ऑप्शन में 0 नहीं है तो वो तो नहीं होगा, तो या तो वो इसके इधर होगा पॉइंट, या फिर इसके बाहर होगा। अगेन कैसे पता करते हैं, अभी हमने किया था पॉइंट उसमें रख दो, सेटिस्फाई कर रहा है तो उस रीजन में है, नहीं कर रहा तो उस रीजन में नहीं है। तो हमने क्या किया, इस रीजन के अंदर
जो है ये इस लाइन की बात कर रहा हूँ, इस लाइन की बात कर रहा हूँ, इस लाइन के अंदर रखा हमने, ये लाइन क्या है बेटा, इसका जो रीजन है हमारे पास वो क्या था, इसका जो इक्वेशन आया था हमारे पास वो आया था रूट थ्री एक्स प्लस वाई इज ग्रेटर देन जीरो, ठीक है भाई, इसमें पॉइंट रखते हैं तो वन कॉमा माइनस थ्री, तो वन रखेंगे, माइनस थ्री इज ग्रेटर देन जीरो, तो ये तो फॉल्स हो गया, ये तो फॉल्स हो गया, यानी कि इसके इधर नहीं है, पॉइंट कहाँ होगा, यहाँ कहीं होगा, पॉइंट यहाँ कहीं होगा, हमारा पॉइंट पी मिल गया हमको, पॉइंट पी मिल चुका है बेटा हमको, अब क्या कह रहा है आपसे, मिनिमम डिस्टेंस, तो किसी भी पॉइंट की हमको डिस्टेंस निकालें, यहाँ पे जितने भी जेड है उनमें से सबसे नियर जेड कौन सा होगा जो इस लाइन पर लाई कर रहा होगा, आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ये सर्कल है, ये इसका क्या है डायमीटर है, तो सर्कल के अंदर किसी भी पॉइंट की मिनिमम डिस्टेंस उसके डायमीटर से निकालते हैं, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, तो यहाँ से इस लाइन से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, वो ही हमारी क्या होगी बेटा, मिनिमम डिस्टेंस होगी, ठीक है बच्चों, तो निकालते हैं, देखो कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला क्या होता है, लाइन क्या थी बेटा, हमारे लाइन था रूट थ्री एक्स प्लस वाई, ठीक है, इक्वल टू जीरो ले लेते हैं एक बार, लाइन का इक्वेशन ले रहे हैं, ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी, तो सी तो जीरो है, अपॉन में अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बेटा इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो मेरे पास ये हो गया रूट थ्री माइनस थ्री अपॉन टू, कहीं ऑप्शन में है क्या, हाँ ये लग तो रहा है बट ऐसा है तो ठीक है ना, मॉड में है, डिस्टेंस है, तो इसको आगे पीछे कर सकते हैं, तो हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, तो इसका आंसर क्या आ गया बेटा, ऑप्शन नंबर सी, तो बेटा ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग इसको अच्छे से कर लें, जेई के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, फेवरेट क्वेश्चन है जेई का, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कॉम्प्लेक्स नंबर का देखा जाए तो, आप इसको कॉपी कीजिए, फिर हम आगे देखते हैं बेटा, ठीक है बच्चों, तो आप लोगों ने इसको कॉपी कर लिया होगा, आई होप जो हम पढ़ रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा है, अगर आप सभी को ये समझ में आ रहा है तो मेरे जो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फ्यूचर के अंदर भी मैं आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आने वाला हूँ, कई नए सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ, कई नए टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि और स्टूडेंट्स को भी फायदा मिले, थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, अगले लेक्चर में, तब तक सभी अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, कोई टेंशन नहीं लेना, कोई लोड नहीं लेना, मस्त रह के पढ़ाई करो, ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, टेक केयर।